यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। यूपी की इस जीत को योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत माना जा रहा है। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी का स्वागत अबीर गुलाल से किया गया। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मंच पर आकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और विक्ट्री साइन दिखाया। इस दौरान यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे। जीत के जश्न के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना विजयी भाषण भी दिया। मंच पर आते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है। हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमें प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी हूं। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद को भी तिलांजलि दी है और कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी देश का नंबर वन प्रदेश बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे के साथ अपने विजयी भाषण को समाप्त किया। जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।